लखनऊ से, जहां पर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सपा और सुभा सपा का गठबंधन हो सकता है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है, यह सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आपको हम बता दें, पिछले दिनों दोनों पार्टी अध्यक्षों ने मुलाकात की थी। मंगलवार को सुभा सपा ने प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई है, तो गठबंधन का ऐलान हो सकता है। आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पिछले दिनों दोनों पार्टी अध्यक्षों ने मुलाकात की थी और इसी के बाद से कयास लगाए जाने जा रहे थे। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, मंगलवार को सुभा सपा ने प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई थी। मंगलवार सुबह को लखनऊ से बड़ी खबर। आपको बता दें, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेगा, क्या ऐलान किया जाएगा, इस पर नजर बनी रहेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, सपा और सुभा सपा का गठबंधन हो सकता है। तो सपा और सुभा सपा का गठबंधन हो सकता है, औपचारिक ऐलान आज हो सकता है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित यादव, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये कि सपा और सुभा सपा का गठबंधन का ऐलान हो सकता है, क्या कुछ वो कारण है जिसके कारण, आपको बता आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया जा सकता है। देखिए, आपको बता दें ऋषिका कि कई सारे कयास लगे गए, साथ में जिस तरीके से विपक्ष अलग अलग खत्म हो रहा है, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे सपा की बात करें, चाहे सुभाषपा की बात करें, चाहे बसपा की बात करें, सारी पार्टियां अलग अलग मुद्दों पे लड़ रही हैं। और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए, उस चुनाव जिस तरीके से आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और उसकी तिथि भी घोषित हो चुकी है, उसको देखते हुए अब यह सामने आया है कि समाजवादी पार्टी और जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है वो एक साथ आ सकती है और कई सारे सीटों पे गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकती है। देखना होगा कि क्या सीट में अदला बदली की जाती है या जो सीट बंटवारे का सिस्टम होता है उसको किस तरीके से देखा जाता है, कितने परसेंट सीट सुबसपा को दिया जाता है, कितना समाजवादी पार्टी अपने पास रखती है। मगर फिलहाल अभी आज अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 12:30 बजे और उसमें कई चीज साफ हो जाएगी कि अखिलेश यादव किस तरीके से अपने जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके पहले जितने भी चुनाव हो चुके हैं अभी उत्तर प्रदेश में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसमें समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी हार मिली है। अब जिस तरीके से वो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इस विधानसभा चुनाव में किस तरीके से संतुलन बैठाए जाएंगे, किस तरीके से चुनाव लड़े जाएंगे, ये समाजवादी पार्टी के सामने भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में फिर से अगर हावी होना है तो इस चुनाव को जीतना पड़ेगा। वही भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपना अलग से संगठन बना रही है, अलग से तमाम तैयारी कर ली है, मगर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सबसे ज्यादा अहम रहेगी उपचुनाव को लेकर, और अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है उसके लिए काफी अहम रहेगी कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी को किस तरीके से आगे ले जाएगी, क्योंकि सारी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष के अलावा जितनी भी प्रदेश की कार्यकारिणी है उसको सभी को भंग कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अभी संगठन तैयार नहीं है और उस चुनाव में पार्टी को जाना है। इसके लिए अखिलेश यादव जिस तरीके से अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें कई चीज देखने को मिलेगी कि आगे की रणनीति क्या है, और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से काफी पीछे जा चुकी है वो आगे आने के लिए, उभरने के लिए उत्तर प्रदेश में क्या कदम उठाएगी, और जो गठबंधन है उस जिस तरीके से लगातार बैठकें चल रही है ओम प्रकाश राजभर के साथ, अखिलेश यादव की और तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ, उससे आज क्या निष्कर्ष निकलेगा वो देखने वाली बात होगी। दीपिका जी, अमित यादव, इसके अलावा किसको कितना फायदा और किसको कितना नुकसान इस गठबंधन से? आपको बता दें कि दोनों जो नेता हैं वो पिछड़ी जातियों की राजनीति करते हैं, और जिस तरीके से क्या कहते हैं ओम प्रकाश राजभर की बात कर लें, चाहे अखिलेश यादव की बात कर लें, उन लोगों का जो वोट बैंक है वो भी पिछड़ी जातियों में सबसे ज्यादा है, और उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ी जातियां हैं उसकी संख्या अगर बात करें तो संख्या काफी ज्यादा है। इसी को देखकर ये समीकरण बनाया गया है कि अगर सारी पिछड़ी जातियां समाजवादी पार्टी और सुबसपा के साथ आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जीतने में आसानी मिलेगी, मगर कितनी जातियां को अपनी तरफ खींच पाते हैं, जो जाति संकरण है, जो इंजीनियरिंग पॉलिटिक्स इंजीनियरिंग है, सोशल इंजीनियरिंग है पॉलिटिक्स के अंदर, वो किस तरीके से यहाँ पे कामयाब होगी ये देखने वाली बात होगी उस चुनाव में। और जिस तरीके से अखिलेश यादव और सुबसपा के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उनका जिस तरीके से लगातार बैठक चल रही है, जो बातचीत हुई है और तमाम और अलग अलग नेताओं से बातचीत चली है, तो देखना होगा कि ये जो गठबंधन होगा इस बार उस चुनाव में, उस गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां शामिल होती है और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ किस तरीके से उस चुनाव में उतरते हैं। जी अमित यादव, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सभी की नजर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिकी रहेगी, क्या कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है सपा और सुभा सपा की ओर से।